स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका गंगवार इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। आज हम लोग अभियान 170 प्लस बैच का लेक्चर टू देखेंगे लेक्चर टू में आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है हम लोगों को और फिर उसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस करने तो आइए शुरू कर लेते हैं रिफ्लेक्शन जो होता है जैसा कि आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन जो होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रिलेटिवली स्मूथ सर्फेस एंड रिलेटिवली लार्ज सर्फेस इज कार्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन सबसे पहले तो हम ये समझ लें रिफ्लेक्शन क्या होता है तो किसी मीडियम की बाउंड्री से टकराकर लाइट एनर्जी का उसी मीडियम में वापस आना दैट इज कार्ड रिफ्लेक्शन यानी जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है किसी मिरर पे इंसिडेंट होती है तो उसका उस मिरर उस मिरर से या बाउंड्री से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आना जिस मीडियम से वो आई थी इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रिलेटिवली स्मूथ सर्फेस एंड रिलेटिवली लार्ज सर्फेस कार्ड स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन यानी जो हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं उसी को स्पेक्र रिफ्लेक्शन कहते हैं और जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस और लार्ज सरफेस से होता है लार्ज आपको याद है क्यों क्योंकि लार्ज सरफेस होगी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डायमेंशन बड़ी होगी तो ही रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी तो लार्ज सर्फेस और रिलेटिवली स्मूथ सर्फेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं एंड फ्रॉम ए रिलेटिवली रफ सर्फेस और रिलेटिवली स्मॉल सर्फेस इज कार्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक और बात इसमें जान ले हम लोग कि जो रेगुलर या स्पेक्लर रिफ्लेक्शन होता है इसमें डिस्टिंक्ट और शार्प इमेज बनती है इन रेगुलर या उसी को स्पेक्ुलर भी कहते हैं स्पेक्ुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ए डिस्टिंक्ट एंड शार्प इमेज इज फॉर्मड इसमें एक डिस्टिंक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर पोजिशन uh, पे आपको एक इमेज मिलेगी और वो शार्प इमेज मिलेगी डिस्टिंक्ट एंड शार्प शार्प रेगुलर रिफ्लेक्शन में डिस्टिंग और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नथिंग इस तरह का कुछ नहीं होता इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इमेज इज नॉट image इमेज इज नॉट तो ये डिफरेंस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगी और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होगा जब रफ सरफेस से होगा और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा जब स्मूथ सरफेस से होगा <coughs> तो ये बहुत डिटेल में हमें इसके जानने की जरूरत नहीं है हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो हमारा रिफ्लेक्शन सिलेबस uh, में जो आएगा वो स्पेक्र या रेगुलर रिफ्लेक्शन है हम उसी को पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं इसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ये क्या है तो व्हेन लाइट एनर्जी आफ्टर बीइंग इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया कम्स बैक इन द सेम मीडिया देन दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्पेक्र रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये रिफ्लेक्शन के सिंपल डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आप सबको पता होता है ये आपको इंसिडेंट रे दिख रही है ये आपको एक इंसिडेंट रे दिख रही है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है ये जो आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये नॉर्मल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं होता है तो ये सब हम लोग जानते हैं अच्छा इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होती है सेम प्लेन का मतलब अगर नॉर्मल आपकी कॉपी पे बना हुआ है ये तो इंसिडेंट रे भी आपकी कॉपी पर आएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी कॉपी पे ही रहेगी मतलब तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगे तो ये हम लोग बेसिक चीजें हैं जानते हैं अच्छा इसमें एक बात और हम लोग को जाननी है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और इंसिडेंट रे का मिरर के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग फाइव से डिनोट करेंगे इधर रिफ्लेक्टेड रे का भी मिरर के साथ जो एंगल बनेगा ये भी फाइव होगा दोनों इक्वल क्यों होंगे क्योंकि आई और आर इक्वल है तो फाइव फाइव इक्वल होंगे और इस एंगल को हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल तो ये याद रखना है कि और ग्लांसिंग एंगल कितना हो जाएगा तो ये फाइव की वैल्यू नाइनटी माइनस आई या नाइन्टी माइनस आर के बराबर होगी चूंकि आई और आर इक्वल है तो कुछ भी लिख सकते हैं नाइन्टी माइनस आई या नाइनटी माइनस आर यहां भी यही होगा 90 I या 90 I? फिर इसमें कुछ पॉइंट्स दिख दिख रहे हैं हैं। आपको आपको इनको करके फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट रहा है है कि एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये मामूली सी बात है। process, speed, same, में अगर इंसिडेंट वेव का स्पीड uh, वी है फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ वेवलेंडा है तो रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड भी फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ वेवलेंथ रहेगी क्यों क्योंकि वेलोसिटी और और वगैरह डिपेंड करते हैं मीडियम पर इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आई थी रिफ्लेक्टेड उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो जो की दोनों का मीडियम सेम है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड सब सेम हो जाएगी अच्छा इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड में लिखा है मे डिक्रीज इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है आपको दिख रहा है मे डिक्रीज तो में डिक्रीज का मतलब क्या है देखिए इंटेंसिटी होती है सिंपली एनर्जी ट्रेवलिंग विद द वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यानी इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं ये हम लोग डिटेल में आगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी ट्रेवलिंग विद द वेव एनर्जी ट्रेवलिंग विद द वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये इंटेंसिटी होती है इसको इंटेंसिटी बोलते हैं तो अब अगर 100 परसेंट रिफ्लेक्शन है हम जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन जनरली होता है तो जो भी एनर्जी इंसिडेंट होती है बाउंड्री पर उसका एक पार्ट बाउंड्री एब्सॉर्व कर लेती है बाकी पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन अब अगर हंड्रेड रिफ्लेक्शन हुआ तो जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्व हो जाए सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अगर हंड्रेड रिफ्लेक्शन है 100% रिफ्लेक्शन जो जनरली नहीं होता तो अगर 100 परसेंट रिफ्लेक्शन है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी सेम होगी और इसलिए एम्प्लीटूड भी सेम होगा क्योंकि हम जानते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है ये हम लोगों ने वेव चैप्टर में सीखा था फिर आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में दोबारा वेव की इंटेंसिटी वेव के एम्प्लीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती तो 100 है तो अगर हंड्रेड रिफ्लेक्शन है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी

100% परसेंट रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डू नॉट चेंज वो चेंज नहीं करते पार्शियल रिफ्लेक्शन अगर होगा यानी थोड़ा एब्जॉर्बशन हुआ थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, हुआ पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीज दोनों कम हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से कम हो जाते हैं तो ये पॉइंट पे क्वेश्चन बनते रहते हैं इसको याद रखना है थर्ड पॉइंट है चेंजेस बाय पाई। तो जब रिफ्लेक्शन होता है मिरर से किसी तो उसमें पाई का फेस चेंज हो जाता है फेस चेंज का मतलब क्या है ये हम लोग एस में फेस पढ़ते हैं या वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे इंसिडेंट वेव से रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेस चेंज हो जाए ठीक है ना पाई का फेस चेंज हो जाएगा और इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ अगर कोई रे किसी सरफेस पे मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो जैसे वो इंसिडेंट होती है ठीक वैसे ही वापस लौट जाती है यानी यहां डायग्राम में दिखा देते हैं आपको कि जैसे रे ऐसे करके ये मिरर है और इस पर कोई रे आकर इंसिडेंट हुई मान लीजिए इस तरह से आकर इंसिडेंट हुई रे ऐसे तो जैसे ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई है इस तरह से वैसे ही नॉर्मली वापस लौट जाएगी परपेंडिकुलरली आई है तो ठीक ऐसे ही वापस लौट जाएगी यानी इसी तरह से ये वापस लौट जाएगी नॉर्मली आई थी नॉर्मली लौट जाएगी इसको बोलते हैं रिट्रेसिंग ऑफ पाथ और जब कभी किसी भी मिरर पर रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो नॉर्मली इंसिडेंट होगी रे तो हमेशा वो पाथ को रिट्रेस करेगी रिट्रेस करने का मतलब जहां से आई थी रे लौटकर उसी पाथ पे वहीं वापस चली जाएगी तो ये सब बातों का इस्तेमाल हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में अच्छी तरह से करेंगे अब आगे आता है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है ये क्या होते हैं रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपरली जानना जरूरी है तो देखिए जैसे ये मान लीजिए मिरर बना हुआ है इस तरह से ये मिरर है रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली मिरर के सामने रखा

अब इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक हम लोग ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा अब इसकी इमेज कैसे बनेगी तो रियल ऑब्जेक्ट में से ऐसे करके रेज निकलेंगी जैसे इस तरह से एक रे निकली इस तरह से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर वो इधर चली गई ऐसे रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग जहां भी रे का रिफ्लेक्शन होना वहां नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अब जितने एंगल पे रे आई थी उतने एंगल पे रे यहां से वापस लौट जाएगी तो जितने एंगल पे रे आई थी मान लीजिए आई एंगल पे रे आई थी तो जितने एंगल पे रे आई थी उतने एंगल पे वापस लौट जाएगी इस तरह से एक रे बन गई फिर दूसरी रे बनानी है तो इधर मान लीजिए रे आई इस तरह से और फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया जितने एंगल पे रे आई थी उतने एंगल पे वापस लौट जाएंगे तो इस तरह से रे वापस लौट गई तो जितने एंगल पे रे आई थी उतने एंगल पे इस तरह से वापस लौट गई ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हो गया अब इमेज कैसे बनेगी तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया और यहां पर जाकर इसकी इमेज बन गई तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा ये कहलाएगी इमेज अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट कह रहा है रियल ऑब्जेक्ट और इमेज जो है देखिए एक्चुअली इमेज हम लोग रियल तब बोलते हैं इमेज रियल तब कहलाती है जब रियल में रिफ्लेक्ट reflect... पहले तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए ऑब्जेक्ट क्या होता है सिंपली ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज और इमेज क्या होती है ये होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज अब यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो इमेज होती है है अब ये समझ लो अगर real में raise, incident raise, अगर रियल रियल में में रेज रेज इंसिडेंट कट कर रही तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रेज वहां जाती तो ऐसे कट करती तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वैसे इमेज में अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में कट कर रही है वास्तविकता में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कहेंगे उनके इंटरसेक्शन से जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज हो

ये आई जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज जो है कट कर रही है आपस में यहाँ पर इस point हो, इस हो पर और देखिए एक्चुअली नहीं आ रही पर क्योंकि ये reflected का इंटरसेक्शन है तो इसको हम लोग इमेज बोलेंगे अब ये देखें रियल में कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं तो देखिए रिफ्लेक्टेड रेज तो लौट गई इधर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको अगर हम लोग देखें ले लेते हैं, दिखाते हैं। जैसे ये और आप देख रहे हैं आगे ये डाइवर्ज होती जा रही है एक दूसरे से दूर होती जाएंगी तो कभी आगे कट नहीं करेंगी यानी रियल में ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर ये पीछे आती तो यहां पर ये जाकर इस पॉइंट पर दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती तो ये चूंकि रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए इसको इमेज बोलेंगे और हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर रेस पीछे आती तो यहां कट करती तो इसलिए ये कहलाएगा वर्चुअल इमेज तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल इमेज हो गया अच्छा एक और एग्जाम्पल इसी में बना के दिखाते हैं देखिए जैसे मान लीजिए अब हमारा जो मिरर है जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ना हो हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये मिरर है तो देखिए इसमें जैसे ये एक मिरर है इस पर ये अब यहां पर कोई रे आकर इंसिडेंट होती है तो सपोज करिए एक रे ऐसे आई इंसिडेंट हुई ऐसे इस तरह से और एक रे ऐसे आई और ये इंसिडेंट हुई इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा रेज का तो जैसे रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं जिस तरह से रे आई है उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएगी तो ये रे ऐसे चली गई इस तरह से और यहां हमने नॉर्मल बनाया तो जितने एंगल पे रे आई है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी तो ऐसे चली गई इस तरह से अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट जैसे इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इमेज कहलाता है तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये वाली जैसे ये इंसिडेंट रेज है आई और आई जिसपे लिखा है और ये दोनों क्या है इसके रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे कट कर रही है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा इमेज अच्छा रियल में कट कर रही है रियलिटी में यहां कट कर रही है तो ये कैसी इमेज होगी रियल इमेज तो ये हम कहेंगे इमेज जो बनेगी इस केस में वो रियल हो ऑब्जेक्ट कहां होगा अगर ये निकालना है तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे अब इंसिडेंट रेज आपको सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले दिख रही है और देखिए पीछे की तरफ ये जाएंगी इंसिडेंट रेज अगर इसको आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं कि ये रेज अगर पीछे की तरफ जाएंगी ये अगर पीछे की तरफ जाएगी इंसिडेंट रे आप देखिए पीछे की तरफ तो ये कहीं दूर होती जाएगी ये इधर दूर होती जाएगी ये इधर दूर होती जाएगी और दूर होने की वजह से आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते तो हम कहेंगे अगर ये आगे आती अगर ये रेज आगे आती तो इस तरह से यहाँ कट करती आएंगी नहीं मिरर के पीछे कैसे जा सकती है तो मिरर के पीछे जाएंगे नहीं लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि अगर ये रेज आगे आती तो यहां पर कहीं कट करती तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि ये इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे और चूंकि यहां पर रियल में रेज कट नहीं कर रही है रियल में रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मिरर के पीछे जाती तो यहां इंटरसेक्ट करती तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अब इसको हमें याद कैसे रखना है तो देखिए पहली बात तो ये याद रखनी है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट अगर रियल था जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखिए तो इमेज कैसी है वर्चुअल इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी है रियल यानी एक औ, एक रियल होगा तो दूसरा कैसा होगा वर्चुअल अच्छा दूसरी बात क्या ध्यान रखनी डायग्राम में समझ लीजिए फिर लिखवा देते हैं जैसे इस केस में देखिए जो रेज है ये इंसिडेंट रे है ये वाले इंसिडेंट रे और ये वाले इंसिडेंट रे इनको अगर आप देखिए तो ये डाइवर्जिंग है फैलती हुई है यानी बाहर की तरफ फैल रही है दूर जा रही है एक दूसरे से तो जब डाइवर्जिंग रेज होंगी तो उस केस में ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है रियल और इस केस में देखो जो इंसिडेंट रेज है कन्वर्जिंग रे रे, का मतलब जो आगे एक दूसरे के करीब आती तो ये कन्वर्जिंग रेज थी ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाले इंसिडेंट रे जो है एक दूसरे के कन्वर्जिंग है और जब कन्वर्जिंग रेज होती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट कैसा होता है वर्चुअल तो अब इन दोनों बातों को आप याद कर लें इस केस में लिख देते हैं यहां पर पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज रियल देन अदर विल बी वर्चुअल एक रियल होगा तो दूसरा वर्चुअल होगा इसको ध्यान रखना है अदर विल बी वर्चुअल ये पहली बात हो गई ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर रेज कन्वर्जिंग है, गन्वर्ज है आगे मिलती हुई दिख रही है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा ऑब्जेक्ट वर्चुअल और अगर रेज जो है इंसिडेंट रेज अगर वो डाइवर्जिंग है इफ रेज आर डाइवर्जिंग तो जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट जो है वो रियल हो कन्वर्जिंग रेज है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा और डाइवर्जिंग रेज है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इस तरह से रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोग पहचान सकते हैं अब इसका हम लोग आगे देखते हैं इमेज फॉर्मड बाय ए प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है तो जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको एक रे आई इससे कई सारी रेज ली गई ये इंसिडेंट रेज है इंसिडेंट होती है फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है और फिर रिफ्लेक्टेड चूंकि ऑब्जेक्ट से देखिए रेज जो निकल रही है वो डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा रियल मिरर के सामने रखा हुआ है ये मिरर पे शेड दे देते हैं तो ऑब्जेक्ट चूंकि मिरर के सामने रखा हुआ है तो रियल ऑब्जेक्ट है डाइवर्जिंग रेज है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है फिर रिफ्लेक्ट होकर जो रिफ्लेक्टेड रेज रेजाइन को पीछे बढ़ाया तो इमेज बनी और चूंकि इमेज पीछे बढ़ाने पर बन रही है यानी रियल में रेज वहां नहीं पहुंच रही है हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर रेज पीछे जाती तो इमेज बनती तो ये इमेज वर्चुअल हो तो ऑब्जेक्ट रियल है इमेज वर्चुअल और इस तरह से ये इमेज बनती है साथ में एक और चीज दिख रहा है यहां सिमिट्री ऑफ ट्राइंगल से हम कह सकते हैं अगर हम एक ट्राइंगल ले लें जैसे ये ट्राइंगल है ये वाला येलो कलर से जो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इनको अगर हम लोग कंसिडर करें तो सिमिट्री से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिट्रिकल हैं और सिमिट्रिकल होने की वजह से सिमिलर कह सकते हैं सिमिलर है और सिमिलर होने से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 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 और इमेज हमेशा इक्वल होगी यानी ये है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होंगे यानी ऑब्जेक्ट के सामने जितनी डिस्टेंस सॉरी प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनी तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस हमेशा सेम होती है सिंपल सी बात है हम लोग नाइन टेन से सीख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन मिरर इन प्लेन मिरर प्लेन मिरर आर एट एट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि एक रियल होगा तो दूसरा वर्चुअल अब देखिए इसमें रे डायग्राम कैसे बनाते हैं इमेज के लिए इसको थोड़ा सा आपको सिखा दें ये जरूरी चीज है क्योंकि इसी के सारे हम लोग आगे की चीजें सीखेंगे शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से बेसिक हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर अच्छे होते जाएंगे तो इनको प्रॉपरली आपको देखना है तो जैसे रे डायग्राम आपको शुरू में दिखाते हैं जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर बना हुआ है कलर चेंज कर लें कोई मिरर दिखाते हैं आपको तो मान लीजिए ये कोई मिरर बना हुआ है इस तरह से ये मिरर है इस तरह से और इसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, है ठीक ना? और आपको बनानी। तो ये तो हम, कैसे बनती? लेंगे, हम लोग इमेज कैसे बनाए करेंगे कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे कैसे तो ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज से सेम डिस्टेंस पर होते हैं प्लेन से सेम डिस्टेंस पर होते हैं तो हम इमेज पहले ही बना लेते हैं ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है

दूसरी रे ली हमने ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे ली और हमें मालूम है कि ये रिफ्लेक्टेड रे इमेज पे जाके मिलेगी तो हमने रिफ्लेक्टेड रे वाला पार्ट पहले बना लिया चूंकि इमेज हमें मालूम है कहा बननी है और इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो कभी भी आपको इमेज बनानी हो तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे अब मान लीजिए जो मिरर है वो इस तरह से होता और ऑब्जेक्ट इसके ठीक सामने रखा होता ऑब्जेक्ट एकदम यहां रखा होता इस तरह से मिरर के एज के सामने और अब इमेज बनानी होती तो भी हम कहते हैं इमेज वैसी ही किनारे रखा ऑब्जेक्ट तब भी इमेज वैसे ही बनेगी इमेज यहां बन जाएगी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे तो रे हम यहां से एक रे लेंगे इस तरह से और फिर हम जानते हैं ये इमेज से पास करेगा तो इसको पीछे इमेज तक बढ़ा देंगे रिफ्लेक्टेड रे इमेज से पास करेगा तो ये इमेज होगा इमेज तक बना दिया अब इसी को एक पीछे बढ़ा देंगे ऐसे इसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे तो ये इमेज बनेगी अब दो रे लेना चाहते हैं तो दो रे ले लीजिए अब आपने एक और रे ली मान लीजिए वो यहाँ इंसिडेंट कराई आपने एक और रे ले ली और वो मान लीजिए यहाँ से तो फिर वही काम करेंगे हमें मालूम है कि रिफ्लेक्टेड रे को इमेज से पास होना है तो इसको बढ़ा के इमेज तक बना दिया अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बना ली तो अब रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से तो ये इमेज डायग्राम इस तरह से हम लोग इमेज बना लेंगे और एक डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जैसे मान लीजिए इस बार मिरर यहां तक है इस तरह से और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है यहां ऑब्जेक्ट नीचे कहीं रखा है ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिरर को डॉटेड पीछे बढ़ा लेंगे ऐसे और बनेगा वैसे इमेज वैसे ही बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने ठीक उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगी तो आप इमेज को वैसे ही बना लीजिए जैसे बनाते थे

तो साफ कर देते हैं डायग्राम को तो इसको आपने यहां से पीछे बढ़ाकर इमेज से पास कराया इस तरह से और फिर आगे वैसे ही एक्सटेंड कर दिया और ये इमेज बन गई तो आप कोई भी किसी भी केस में इमेज बनानी हो तो हमेशा पहले इमेज बना लेंगे हम लोग रे डायग्राम बनाना होगा तो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेंगे और फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज तक हम पहले एक्सटेंडेड लाइन बना देंगे और फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू हम रिफ्लेक्टेड रे को दिखा देंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है जो जैसे ये शायद आपके पहले एग्जाम में आ चुका है CPMT में तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है व्हेन ए ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन लेवल ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये एक टावर है इससे 60 मीटर के डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस आपको 60 मीटर दी हुई और यहां पर हॉर्जेंटली uh, एक मिरर रखा है आपको जो दिख रहा है ये मिरर है इसको हाईलाइट कर देते हैं तो यहां पर एक मिरर रखा हुआ ये तो ये एक मिरर रखा है और ये 60 मीटर के डिस्टेंस पर यहां से जो डिस्टेंस इसकी दी हुई है वो 60 मीटर अब कह रहे हैं द टॉप ऑफ द द द द द टावर 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 एंड इमेज इन एन एंगल ऑफ ऑफ 90 डिग्री हाइट इज देखिए क्वेश्चन में सिंपली कह रहे हैं कि जैसे ये टॉप ऑफ द टावर है ये इसको यहां से मिलाया गया मिरर से ये टॉप ऑफ द टावर है और ये टावर की जो मिरर में इमेज बनेगी वो तो ये टावर की इमेज है मिरर में और इसको यहां से मिलाया गया ये दोनों मिलकर टोटल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में लिखा है तो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ टावर क्या हो हा टावर की हाइट बताइए तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम देखिए ये इसमें हमें पता है कि जब ये पूरा नाइन्टी डिग्री एंगल है और दोनों टावर जो है जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी इमेज की हाइट होगी नीचे जो डॉटेड दिखाया गया ये इमेज है ऊपर जो बना है वो ऑब्जेक्ट तो सिमेट्री से ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर बना हुआ है ये वाला ट्राइंगल जो ऊपर है ये वाला ऊपर वाला ट्राएंगल और जो ये नीचे बना हुआ है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमेट्रिकल हो जाएंगे और सिमेट्रिकल होंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ये ये डिग्री डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। बराबर बराबर एंगल होंगे और एंगल बराबर हो जाएंगे फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव तो आप समझते हैं इस बात का मतलब क्या निकलेगा जब ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हो जाएंगे तो बाकी एंगल भी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हो जाएंगे तो ये वाला एंगल भी फोर्टी फाइव ये हो जाएगा ये 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 वाला एंगल भी 45 ये हो जाए। अब आप पूछ रहे टावर ये एच तो अब आपसे की की बताइए, तो तो में में का लगा लगाएंगे इस वाले में वाले ऊपर जो राइट बना, कोई भी एक ऊपर वाला चाहे नीचे वाला इसमें फॉर्मुला लगा रहे हैं, तो टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर एच है तो एच की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी मीटर

वही इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से होती है और जो डायग्राम में आपको दिख रही है ये ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं नहीं है इसलिए इस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि इमेज भी 4 पे तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी इसको समझने के लिए हम लोग मिरर को पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो हमने मिरर को पीछे एक्सटेंड कर दिया बढ़ा दिया पीछे थोड़ा सा अब ऑब्जेक्ट की मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जितनी उतनी मिरर इमेज की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ऑब्जेक्ट की मिरर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये कितनी हो जाएगी तो देखिए ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 होगा अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाकर ये सॉल्व कर सकते हैं तो ये फोर साइन फोर्टी आए फोर साइन फोर्टी अब जब ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 साइन 45 पे रखा है तो इमेज भी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 साइन पे होगी हो अब ये 4 साइन 45 कब आ पाएगा तो देखो अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो इमेज जो है वो पक्का है कि वाई एक्सेस पे जाके बनेगी क्यों वाई एक्सिस पे बनेगी क्योंकि तब ये एंगल भी फोर्टी होगा और ये वाले एंगल भी 45 45 हो जाएंगे तो अब अगर ऑब्जेक्ट की मिरर से यानी ओरिजिन से फोर मीटर डिस्टेंस थी तो यहां से भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फोर मीटर और जब ये फोर मीटर होगी तभी ये डिस्टेंस फोर कॉस फोर्टी फाइव आएगी तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है और तभी ये दोनों डिस्टेंसिस आपस में इक्वल हो जाएंगे ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से इक्वल होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यानी इस केस में जो इमेज बनेगी वो वाई एक्सिस पर आकर यहां बनेगी फोर मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी ओरिजिन से तो इसको याद कर लीजिए आप लोग कि अगर मिरर फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन रखा रखा है इसको याद कर लीजिए अगर मिरर 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड रखा है इंक्लाइंड रखा है तो ये एक्स ऑब्जेक्ट तो ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट करने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्स पे है तो उसकी इमेज ये वाई बना देगा तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक्स पर है एक्स एक्सिस पर है पर है तो उसकी इमेज y पर बना देगा उसकी इमेज y पर बना देगा ऑब्जेक्ट अगर x पर है तो ये उसकी इमेज y पर बना देगा एंड y से वर्स तो इसका याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मिरर जो है वो इंक्लाइन रखा है 45 डिग्री के एंगल पर तो इसका इस्तेमाल ही किया जाता है x को y में और y को x में कन्वर्ट करने के लिए यह हॉर्जेंटल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉर्जेंटल बना देता तो जैसे ऑब्जेक्ट हॉर्जेंटल एक्सिस पे रखा था तो इमेज वर्टिकल पे बन गई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पे रखा होता तो इमेज हॉर्जेंटल पे बन जाती तो ये सीधा याद रखी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी फोर मीटर पे रखी थी ओरिजिन से तो ओरिजिन से फोर मीटर पे बनेगी ठीक है ना तो जैसे अब इसमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं जैसे इस केस में अब देखो डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इन बातों को अब जैसे इस केस में देखो मिरर फिर फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है मान लो मिरर जो है फिर फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे रखा है इस बार ऑब्जेक्ट इस तरफ को बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट है हमारा ये जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट है और ऐसा एरो जैसा ऑब्जेक्ट है पूछ रहा है इमेज बनाइए इसकी कैसी बनेगी और कहा बनेगी तो देखो इसकी इमेज बनाने के लिए हमें मालूम है देखो एंगल जब 45 डिग्री है मिरर का तो इमेज एक्स से वाई में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट एक्स पे रखा है तो इमेज कहा बन जाएगी वाई पे अब इसकी इमेज वाई पे ऐसे करके इस तरह से यहाँ पर ऐसे आके बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट पे रखा होगा तो इमेज वाई पे बन जाएगी ऑब्जेक्ट वाई पे रखा होता तो इमेज एक्स पे बन जाएगी इसको याद कर लेना इसी तरह से ये बगल में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये वाला इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे रखा ये तो है अब इसमें आपसे कहा गया इमेज बनाई तो आपने कहा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को ओ ओ डैश नाम दे देते हैं तो अब ओ की इमेज जितने डिस्टेंस पे ओ यहां से रखा है उतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज इधर बन जाएगी यानी ओ की इमेज ओ डैश पे बन जाएगी अच्छा जो सॉरी इसको ओ की इमेज आई पर बन जाएगी इसको आई नाम दे देते हैं आई पे तो ये ओ की इमेज आई पे बन गई अच्छा ओ डैश थोड़ा पास में है मिरर के तो इसकी इमेज जितने डिस्टेंस पे ये रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी तो ये उतने डिस्टेंस पे ऐसे बन जाएगी इमेज तो ओ डैश की इमेज आई डैश पे बन जाएगी अब इन दोनों को मिला दीजिए टेल की इमेज हमने अलग बना ली हेड की इमेज अलग बना दी मिला देंगे तो ये ऐसे करके आपको इसकी इमेज मिल जाएगी आई आई डैश तो ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश के लॉन्ग रखा होगा तो इमेज आई आई डैश के लॉन्ग बनेगी तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकते हैं तो आज हम लोगों ने इसमें सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसकी इमेज को कैसे बनाया जा सकता है ये जितने से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें सिंपल जोमेट्री का काम है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने क्लॉक रखी है क्लॉक को मिरर के सामने रख दिया तो अगर क्लॉक में कोई टाइम दिख रहा है तो बताइए उसका मिरर में जब इमेज दिखेगी तो इमेज में क्या टाइम दिखेगा वो निकालना तो जैसे यहाँ पर कोई हम लोग क्लॉक बना लेते हैं तो एकदम आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए तो जैसे यहाँ ये क्लॉक है और इसकी इमेज ऐसे इसमें इमेज इस तरह से मान लीजिए जो ये क्लॉक है इसमें तीन बजे हुए हैं कोई भी टाइम ले सकते हैं कोई आसान सा टाइम लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी तो जैसे मान लीजिए ये तीन है ये बारह है ये नौ है और ये छे अब मान लीजिए आपसे कह रहे हैं मिरर में तीन बजे हुए क्लॉक में तीन बजे तो क्लॉक में तीन बजने का मतलब ये तीन बजे की तरफ सुई होगी छोटी वाली और बड़ी वाली सुई बारह बजे की तरफ होगी ऐसे करके तीन बजे अब कह रहे हैं बताइए घड़ी में इसकी जो इमेज बनेगी उसमें क्या बजा हुआ दिखाई देगा तो आप देखिए जो ये वाली छोटी वाली सुई है आपको मालूम है कि मिरर में जब हम इमेज बनाते हैं तो जो ये छोटी वाली सुई है ये ये वाली जो सुई है इसका ये जब इसमें दिखेगी रिफ्लेक्टेड इमेज देखेंगे इसकी हम लोग तो ये आपको उल्टा दिखाई देगी ऐसे इस तरफ को और जो 12 बजे वाली सुई है वो जैसी है वैसी दिखाई देगी ऐसे अब देखिए हेड की इमेज बनाओगे इसमें इसमें बिल्कुल आसान सी बात है आप हेड की इमेज बनाओगे हेड मिरर के पास है तो इसका इमेज का हेड भी मिरर के पास आए टेल मिरर से दूर है तो यहां भी जो टेल है वो इमेज की टेल भी मिरर से दूर हो तो ऐसे करके इमेज बन जाएगी अब अगर ये तीन बज रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये नौ बजा हुआ नाइन है ना नौ बजा हुआ है और इसमें तीन बजा हुआ तो यानी जब क्लॉक में तीन बजा होगा तो उसकी इमेज में आपको नौ बजा हुआ दिखाई दे क्लॉक में छ बजा है तो इमेज में भी छह बजा हुआ दिखाई देगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने के लिए अब जैसे मान लो क्लॉक में बजा है बारह बजकर पच्चीस मिनट या तीन बजकर चालीस मिनट और पूछ रहे हैं बताइए इमेज में क्या बजा हुआ दिखाई दे तो ऐसे बनाकर जल्दी भी मतलब टाइम भी लगेगा और गलती भी हो सकती है निकाला जा सकता है डायग्राम लेकिन उसमें टाइम भी लगेगा और गलती भी हो सकती है एग्जामिनेशन में ना हमारे पास टाइम आ, एक्स्ट्रा होता है और ना गलती होने की कोई चॉइस होती इसलिए हमें ऐसे मेथड से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा जिसमें ना गलती हो ना टाइम ज्यादा लगे तो ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया डायग्राम बनाकर अब आप इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये समझ ले कि एक तरीका तो ये है कि जैसे आपको ये पता लगाना है कि आपकी घड़ी में दो बज के पच्चीस मिनट हुए और पूछ है इमेज में क्या दिखाई पड़े तो आप क्या करिए एक पेपर पे घड़ी बना लीजिए डार्क कलर से उस उसपे टाइम लिख लीजिए जो टाइम कह रहे हैं दो पच्चीस दो चालीस जो भी कह रहे हैं वो टाइम बना लीजिए उसके हिसाब से घड़ी में उसके जो नीडल्स जो उसके हैंड्स हैं वो ऐसे दिखा लीजिए और फिर उसकी जो इमेज बनेगी उसको कैसे दिखाई देगी इमेज तो पेपर को उल्टा करके देख लीजिए पेपर को उल्टा करेंगे पीछे जब गाढ़े कलर से पेपर पे घड़ी बनाएंगे उसमें टाइम दिखाएंगे तो जब उसको उल्टा करेंगे तो उसके पीछे दिखाई पड़ेगा वो जो उसको उल्टा करने पर पेपर में पीछे दिखेगा वही इमेज वाला आंसर हो जाएगा तो एक तो ये तरीका है कि एक और तरीका है कि सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए फार्मूले क्या है ये सबसे आसान तरीका होगा इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फॉर्मूला क्या है कि अगर घड़ी में ए बजा हुआ घंटे में टाइम ए दिया हुआ तो इमेज में इसका जो टाइम दिखेगा वो 12 माइनस ए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे घड़ी में तीन बजे हैं, तो ए की वैल्यू तीन हो गई तो ए की वैल्यू तीन हो गई तो इमेज में क्या दिखाई पड़ेगा बारह माइनस यानी नौ दिखाई पड़ेगा घड़ी में चार बजे हैं, तो ए की वैल्यू चार हो गई तो इमेज में क्या दिखाई देगा बारह माइनस चार यानी आठ बजे दिखाई देगा इस तरह से दिखाई देगा अच्छा मान लो घड़ी में मिनट सेकंड दोनों दिए हो तो घड़ी में ए एच और बी मिनट एक घंटे और बी मिनट बजे हुए हैं तो इमेज में क्या दिखाई दे तो इमेज को हम इस तरह से लिख सकते हैं देखिए बारह बजे के बजाय इसको लिख देंगे ग्यारह बजकर साठ मिनट बारह बजे वही होता है ग्यारह बजकर साठ मिनट तो इसको ग्यारह बजकर साठ मिनट लिख देंगे और इसमें से एच बी एम को माइनस कर देंगे HBM। अभी हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे वैसे सेकेंड में मान लीजिए टाइम दिया होता एच ए एच ए, 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 ए घंटे बी मिनट और सी सेकेंड तो इसको हम लोग लिख लेते ग्यारह बजे ग्यारह बजकर उनसठ मिनट साठ सेकेंड ऐसे मान लेते और इसमें से एच बी एम सेकेंड को माइनस कर देते और वो आपका टाइम हो जाता जैसे एग्जांपल बताते हैं मान लीजिए आपसे कहा गया घड़ी में सात बजकर बीस मिनट हो रहे हैं बताइए घड़ी का टाइम पूछ रहे है इमेज का टाइम बताइए देखिए ए जो घंटे हैं वो ए हो जाएंगे ए का मतलब घंटे एच जो लिखा वो घंटे जो लिखा वो मिनट S जो लिखा, वो तो घंटे तो घंटे में से घंटे घटा देंगे मिनट में से मिनट घटा देंगे तो ग्यारह साठ में से सात बीस घटा दीजिए तो ग्यारह में से सात गया चार बचा और साठ में से बीस गया चालीस बचा यानी टाइम आपको दिखेगा घड़ी में चार बजकर चालीस मिनट मान लीजिए आपसे कहा गया आपको टाइम दिख रहा है पांच बजकर पंद्रह मिनट और सोलह सेकंड ऐसे करके टाइम दिख रहा है और कह रहे हैं इसकी इमेज बताइए इमेज में क्या टाइम दिखे तो इस वाले के हिसाब से करेंगे ग्यारह बजकर उनसठ मिनट साठ सेकंड में से एच बी एम सी सी घटा देंगे एच बी एम सी एस एक घंटे हैं बी मिनट है सी सेकेंड घंटे में से घंटा ग्यारह में से घंटे घटा देंगे मिनट में से मिनट घटा देंगे सेकंड में से सेकंड घटा देंगे तो देखिए ग्यारह में से पांच घटाएंगे तो छे घंटे बचा यानी छह बचकर उनसठ में से पंद्रह घटाएंगे तो चौवालिस बचेगा तो चौवालीस मिनट और साठ में से सोलह घटाएंगे तो चौवालिस सेकेंड तो देखिए कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं देखिए पेपर में आपके आ चुके हैं नीट के जैसे यहां दिया है क्लॉक शोज टाइम एज थ्री व्हेन सीन थ्रू मिरर द अपीयर टाइम विल बी घड़ी में तीन बजे हैं तो मिरर में कितना टाइम दिखाई देगा तो सिर्फ तीन बजे यानी घंटे की वैल्यू तीन दी तो ए की वैल्यू थ्री दी जब सिर्फ ए दिया होता है तो इमेज का टाइम क्या होता है आंसर क्या होता है बारह माइनस ए तो यानी बारह माइनस तीन बजेंगे नौ तो नौ बजा दिखाई देगा इमेज सिंपल एकदम तो। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं ये आपके ए आई पी एम टी का आया हुआ क्वेश्चन है नाइनटीन नाइनटी सेवन में आया था कि एक घड़ी में टाइम दिख रहा तीन बजकर पच्चीस मिनट तो बताइए मिरर में देखने पर इसमें क्या टाइम दिखाई देगा तो देखो घंटे मिनट दोनों है वाला है एच बी एम वाला तो ए की वैल्यू आपको दे दी, दी गई और बी की वैल्यू आपको यानी घंटे मिनट अब आंसर हमें मालूम है है इस केस में क्या होता है? हम लोग लिखते हैं ग्यारह बजकर साठ मिनट लिखते हैं और इसमें से तीन बजकर पच्चीस मिनट माइनस कर देंगे तो ग्यारह बजकर साठ मिनट में से तीन बजकर पच्चीस मिनट ये माइनस कर देंगे घंटे में से घंटा माइनस करेंगे मिनट में से मिनट तो 11 में से 3 माइनस किया 8 बचा और 60 में से 25 माइनस किया तो 35 बचा तो आठ बजकर पैंतीस मिनट ये सही आंसर ये आपके का आया हुआ क्वेश्चन है इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो अब इसमें हम लोगों ने आज मिरर बनाना सीख मिरर में इमेज बनाना सीख लिया रे डायग्राम बनाना सीख लिया छोटे मोटे क्वेश्चंस देख देख लिया कैसे करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लॉक वाले क्वेश्चंस देख लिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट से से हम इस चैप्टर में इंटर करेंगे लेक्चर और उसमें फिर हम लोग बाकी जो अंदर डिटेल्ड उनको देखेंगे तो चलिए खत्म करने से पहले आपको एक होमवर्क दे देते हैं ये जो आज हम लोगों ने सीखा इसका एक होमवर्क ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है सॉरी वाई एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है और ये मिरर हो गया ये मिरर हो गया इस तरह से और ये एंगल आपको कुछ दिया हुआ है मान लीजिए थर्टी डिग्री इसके सामने एक ऑब्जेक्ट यहां पर फोर मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये ओ और अब आपसे कहा जा रहा है इस इमेज इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी मिरर में उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए टू फाइंड कोट्स ऑफ इमेज ये आपको निकालना है कि जो इसके इमेज बने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए ये आपका क्वेश्चन है इसको ट्राई करिए घर पे आंसर बता देते हैं आपको आंसर जो आएगा इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स का वो आएगा टू कॉमन टू रूट थ्री टू मीटर कॉमर टू रूट थ्री मीटर ये इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स का आंसर आएगा तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा तो चलिए फिर आज यही तर रखते हैं नेक्स्ट टन पे हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड तो चलिए थैंक यू